जे क्लास जीके में आपका स्वागत है, जहां झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट आपके लिए मैं लाता रहता हूं। आज का टॉपिक है कला और संस्कृति से झारखंड के लोक नृत्य। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे। आइए देखते हैं। पहला है छाऊ नृत्य। इसका आरंभ झारखंड के सरायकेला से हुआ और इसका विस्तार मयूरभंज जो उड़ीसा में है और पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ तक इसका विस्तार है और यही तीनों प्रमुख शैली हैं। यह नृत्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय है। इस नृत्य में दो प्रमुख धाराएं हैं, हथियार धारा और कालीभंग धारा। हथियार धारा वीर रस प्रधान है और कालीभंग धारा श्रृंगार रस को दर्शाता है। दूसरा है जादू नृत्य। इसका दूसरा नाम नीर सुसंको है और यह उरांव जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला है कर्मा। इसमें 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेते हैं। इसमें लहुसा गीत गाया जाता है और इस कर्मा को लहुसा गीत के कारण लहुसा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्मा पर्व के अवसर पर ही किया जाता है। चौथा है पाइका। केवल पुरुषों द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें मोर लगे पगड़ी पहना जाता है। अगला है झूमर नृत्य। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। फसलों की कटाई के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। छठा है घोड़ा नृत्य। यह नागपुरी भाषा क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है। लगभग झारखंड में नागपुरी भाषा प्रयाप्रया सभी को जानते हैं और इस घोड़ा नृत्य में दुर्गानाथ राय बहुत ही प्रसिद्ध थे। आइए कुछ नोट देखते हैं। जत्रा नृत्य जो उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। नेटवा नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है। अग्नि नृत्य इसमें सील की पूजा की जाती है। लांगड़े नृत्य इसमें संथाली जनजाति अपना नृत्य दिखाते हैं। डोमकच नृत्य यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट नृत्य थे उन सभी का हमने डिस्कशन किया है। आइए कुछ टेस्ट लगाते हैं। पहला सवाल है कौन सा नृत्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नृत्य है। जैसा अभी हमने पढ़ा था ये छाव नृत्य हो जाता है, ऑप्शन ए। दुर्गानाथ राय किस नृत्य में लोकप्रिय थे। नेटवर नृत्य, जादू नृत्य, घोड़ा नृत्य। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घोड़ा नृत्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लहुसा गीत किस नृत्य में गाया जाता है। यह कर्मा में गाया जाता है, ऑप्शन सी। लांगड़े नृत्य किस जनजाति द्वारा की जाती है। यह संथाली जनजाति द्वारा की जाती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन बी। आइए अगला सवाल लेते हैं। नीर सुसंको के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है। जापी नृत्य, मगा नृत्य, स्वराय नृत्य, जादू नृत्य। ये नीर सुसंको के नाम से जादू नृत्य को जाना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।